निजी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने चिदंबरम और राजा के बीच बातचीत के ब्यौरे वाली फाइल को कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दलीलों में बार बार यही दोहराया कि वो एक महत्वपूर्ण फाइल है जिसमें इस बात का जिक्र है कि चिदंबरम ने किस तरीके से राजा को बार बार सलाह दी और राजा ने चिदंबरम की सलाह के आधार पर ही कार्रवाई की। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल नोट टेलीकॉम से निकाल के दी है जिसमें राजा कहता है सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि मैंने स्वान को और यूनिटेक को शेयर बेचने के लिए अनुमति दी जब 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते थे। लेकिन मैंने भी पहले सोचा था नहीं बेच सकता हूं, लेकिन चिदंबरम ने मुझे समझाया कि ये बेचा जा सकता है और इसीलिए मैंने किया। तो चिदंबरम ने समझाया तो फिर पत्रव्यवहार हुआ है, फाइल नोटिंग चली है, वो कौन सी फाइल में है, वो ये फाइल में है। अदालत ने जब सीबीआई से जानना चाहा कि आखिर क्या ऐसी कोई फाइल है तो सीबीआई ने अदालत में इस बात को माना भी, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को उस फाइल को दिखाए जिसके आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी अपने केस को तैयार कर सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है जब सुब्रमण्यम स्वामी उस फाइल को देखने के बाद अदालत के सामने अपनी दलीलों को पेश करेंगे।